25 सितंबर को हिंदू महीने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। हिंदू धर्म के मुताबिक इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस मौके पर ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी शेयर किया जा रहा है। यूजर्स इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत की पितृ नदी है, ये पितृ पक्ष की अमावस्या को प्रकट होती है और दिवाली यानी अमावस्या तक गायब हो जाती है। इसे प्रकृति का अद्भुत चमत्कार बताते हुए शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर ये वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया गया है। वहीं ये वीडियो फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया है। हालांकि हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये वीडियो पिछले साल भी काफी शेयर किया गया था। ऑल्ट न्यूज ने उस वक्त फैक्ट चेक करते हुए इस वीडियो की असलियत पेश की थी। तो आइए देखते हैं असल में ये वीडियो पितृ नदी का है या नहीं। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करते हुए हमें ये वीडियो 2017 में यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ मिला। कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो तमिलनाडु के मायावरम शहर का है, जहां कावेरी नदी का पानी बहता हुआ पहुंचा था। 11 सितंबर 2017 को द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि तमिलनाडु के मायिलादुतुराई में 12 से 24 सितंबर तक कावेरी महापुष्करम का आयोजन किया गया था। वहां लाखों श्रद्धालु कावेरी नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले थे। पुष्करम कमेटी के कोऑर्डिनेटर ने कर्नाटका सरकार से दरखास्त की थी कि वो कावेरी नदी का पानी छोड़े, ताकि महापुष्करम त्योहार बिना किसी रुकावट के मनाया जा सके। इसके बाद मैतुर डैम से कावेरी नदी का पानी छोड़ा गया था। यानी हकीकत में ये वीडियो साल 2017 में तमिलनाडु में त्योहार के चलते कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने का है, जिसे समय समय पर गलत दावे के साथ शेयर किया जाता है।